आओ बालकृष्ण, बैठो। जी सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरंगियों के अचानक हमले का मुकाबला करते हुए महामिर्जा खान ने सुल्तान पर अपनी जान निछावर कर दी। कौन कहता है महामिर्जा खान मौत से डरता था? अता मोहम्मद को महामिर्जा खान की जगह मुकरर कर दिया जाए। आज मौत ने हमसे एक वफादार और छीन लिया। हाथी दरवाजे से फिरंगी लश्कर किले में दाखिल हो चुका है। छावनियों से सुल्तान के वफादार अपने बादशाह पर जान इसार करने हाजिर हुए हैं, लेकिन पानी दरवाजा बंद कर दिया गया है और दूसरे दरवाजों पर अंग्रेजों का कब्जा है। नदीम, अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? इसलिए कि मैसूर के होने वाले सुल्तान वीर साजिब साहब का हुक्म नहीं है। क्या बकता है गुस्ताख, खत्म कर दो इसे। बालकृष्ण सुल्तान, दरवाजा खोल दो। जो हुक्म। मीर सादिक गद्दार। जब तक टीपू सुल्तान मारे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हम बादशाह नहीं बन सकेंगे, और जब तक हम बादशाह नहीं बन सकेंगे, तुम लोगों की किस्मत नहीं बदल सकेगी। कुदरत का यही कानून है, एक की मौत और दूसरे की जिंदगी। इससे पहले के सुल्तान अपनी शिकस्त महसूस करके अंग्रेजों से सुलह कर लें या किला छोड़ दें, तुम लोग जाओ ढूंढो और जहां कहीं भी मिले उन्हें खत्म कर दो।
हे भगवान, तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब एक आखिरी ख्वाहिश और पूरी कर दे, हत्तार मीर सादिक को। मीर सादिक साहब, कहाँ है सुल्तान? सुल्तान कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, जल्दी बता सुल्तान कहाँ है? सुल्तान को आपकी तलाश है। कहाँ है वो? वो कमान की तरफ गए, उन्होंने आपके नाम एक फरमान दिया है। लाओ लाओ, मुझे दे दो। मेरे गिरेबान में निकाल लीजिए। Future King of Mysore.
like a tiger. जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा भारत में बादशाह न हुआ। रू तो हो गई थी तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। कर्नल वेल्सले, आप चंद सिपाही लेकर अंदर जाइए। टिपू सुल्तान यकीनन महल में ही होंगे। आप महल का कोना कोना छान डालिए। टिपू सुल्तान अगर जिंदा हैं तो उनकी गिरफ्तारी, और अगर मारे जा चुके हैं तो उनकी लाश पर हमारा कब्जा बहुत जरूरी है। अगर कोई भी महल पर कब्जा करने से रोके तो उस पर बेखट के गोली चला दी जाए। ब्रिटिश आर्मी महल को अपने घेरे में ले चुकी है। यस सर। सुल्तान को फौरन हमारे हवाले कर दिया जाए, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। इनसे कहो शेर को महल में नहीं कछार में तलाश करें। सुल्तान तो मैदान जंग में है, वो अभी तक महल में वापस नहीं आए हैं। अभी अभी खबर मिली है कि सुल्तान और राजा खान कमान की तरफ गए हैं। किले पर हमारा कब्जा हो चुका है। आप लोगों में से कोई भी इस महल के बाहर जाने की कोशिश ना करे। हमारी नाफरमानी करने वाला अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। चलाओ। जनरल स्टीवर्ड, जनरल बैड, लुक हियर। सुल्तान, 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 सुल्तान
सुल्तान। 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 The tiger is dead. आज से हिंदुस्तान हमारा है। सुल्तान। लाश को महल में भिजवा दो। सुल्तान।
जनरल हैरिस शहजादा फतेह हैदर बहादुर से कुछ कहना चाहते हैं। बुला लीजिए। हम किसी फिरंगी के साथ बात नहीं करना चाहते। आपकी ख्वाहिश और वक्त के तकाजों में टकराव हो रहा है। आज हम किसी से टक्कर नहीं ले सकते। हमारा शेर सो रहा है और हम उसे जगा भी नहीं सकते। आप हमें इजाजत दें कि हम आखिरी रसूम फौजी एजाज के साथ अंजाम दें। जिस शख्स को आपने कत्ल किया है उसका जनाजा आप फौजी एजाज के साथ किस तरह उठाएंगे? आप अपने दुश्मन की लाश को कांधा किस दिल से देंगे? लोगों का दिल जीतने के लिए यह सिर्फ सियासी चाल है, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। हमारी दुश्मनी टीपू सुल्तान से थी, उनके जनाजे से नहीं। उनके इंतकाल के साथ हमारी दुश्मनी भी खत्म हो गई। जनाजा किसी का भी हो, उसका एहतराम करना फर्ज है। हम अपने बाप की लाश उनके कातिलों के हवाले नहीं कर सकते। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम हर बात आपके जज्बात और आपके मुल्की और मजहबी रसूम का पूरी तरह ख्याल रखते हुए करेंगे। हम सुल्तान की बहादुरी और वतन परस्ती की कद्र करते हैं। फतेह हैदर, अक्ल और वक्त के तकाजों को पूरा कीजिए, दिल पर काबू रखिए। नमाज जोहर के बाद मस्जिद आला में नमाज जनाजा होगी। जब मैयत मस्जिद के बाहर आ जाए तो आप लोग जिस तरह चाहें जुलूस ले जाएं। तदफीन लालबाग में दादा जान मरहूम के रोजे में होगी।
General Stewart. Sir. By order of Governor General of India, Sir Richard Wellesley, Sultanate Khudadad ka faisla hone tak, Tipu Sultan ke khandan ko Velour mein nazar band rakha jaye. Okay, sir. Get it, I see.